नमस्कार। इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद दे रहे आदरणीय बाबा साहब पुरंदरे जी, बाबा साहब सत्कार समारोह समिति के अध्यक्ष सुमित्रा ताई जी और शिवशाही में आस्था रखने वाले बाबा साहब के सभी अनुयायी साथीगण, शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदरे यांना मी सुरुवातीच साष्टांग नमस्कार करतो व छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे आदर्श उभे केले आहेत, जी शिकवण दिली आहे, तिचे आचरण करण्याची शक्ती परमेश्वराने मला द्यावी अशी प्रार्थना मी देवाकडे करतो। मैं आदरणीय बाबा साहब पुरंदरे जी को जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद जैसे अभी तक हम सबको मिलता रहा है, वैसे ही आगे भी लंबे समय तक मिलता रहे, ये मेरी मंगल कामना है। मैं आदरणीय सुमित्रा ताई को भी इस विशेष आयोजन के लिए बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि इस सुखद समारोह में मुझे भी बाबा साहब के आशीर्वाद लेने का, उनमें श्रद्धा रखने वाले आप सब साथियों के बीच आने का अवसर मिला है। मैं पूरे देश में बाबा साहब के अनेकानेक अनुयायियों को भी इस पुण्य अवसर की बधाई देता हूं। साथियों, शतायु जीवन की कामना मानवता के सबसे परिष्कृत और सकारात्मक विचारों में से एक रही है। हमारे यहां वेदों में ऋषियों ने तो शतायु जीवन से भी कहीं आगे बढ़कर कहा है। हमारे ऋषियों ने कहा है, जीवेम शरद शतम, बुद्धेम शरद शतम, रोहेम शरद शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक विचारशील रहे और 100 वर्षों तक आगे बढ़ते रहे। बाबा साहब पुरंदरे का जीवन हमारे मनुष्यों की इस श्रेष्ठ भावना को साक्षात चरितार्थ करता है। अपनी तपस्या से जब कोई जीवन में ऐसे योग सिद्ध करता है तो कई संयोग भी स्वयं सिद्ध होने लगते हैं। ये सुखद संयोग ही है कि जब बाबा साहब जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब साथ में ही हमारा देश भी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मुझे लगता है कि बाबा साहब स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे कि ये संयोग उनके लिए उनकी तपस्या से प्रसन्न मां भारती का प्रत्यक्ष आशीर्वाद ही है। भाइयों और बहनों, एक और संयोग है जो हमें आजादी के 75वें साल के लिए प्रेरणा देता है। आप सब इस बात से परिचित हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने स्वाधीनता सेनानियों के अमर आत्माओं के इतिहास लेखन का अभियान शुरू किया। बाबा साहब पुरंदरे यही पुण्य कार्य दशकों से करते आ रहे हैं। अपना पूरा जीवन इसी एक मिशन के लिए उन्होंने खपा दिया है। उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है, उसके लिए हम सभी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे।
मुझे खुशी है कि हमें उनके इस योगदान के बदले देश को उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सौभाग्य मिला है। 2019 में देश ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो वहीं 2015 में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी दिया था। मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी की सरकार ने छत्रपति शिवाजी के इस परम भक्त को कालिदास पुरस्कार देकर नमन किया था। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति बाबा साहब पुरंदर जी की इतनी भक्ति यूं ही नहीं है। शिवाजी महाराज भारत के इतिहास के शिखर पुरुष तो है ही, बल्कि भारत का वर्तमान भूगोल भी उनकी अमर गाथा से प्रभावित है। यह हमारे अतीत का, हमारे वर्तमान का और हमारे भविष्य का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर शिवाजी महाराज न होते तो क्या होता। छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना भारत के स्वरूप की, भारत के गौरव की कल्पना भी मुश्किल है। जो भूमिका उस कालखंड में छत्रपति शिवाजी की थी, वही भूमिका उनके बाद उनकी प्रेरणाओं ने, उनकी गाथाओं ने निरंतर निभाई है। शिवाजी महाराज का हिंद भी स्वराज, सुशासन का, पिछड़ों वंचितों के प्रति न्याय का और अत्याचार के खिलाफ हुंकार का अप्रतिम उदाहरण है। वीर शिवाजी का प्रबंधन, देश की सामुद्रिक शक्ति का इस्तेमाल, नौसेना की उपयोगिता, जल प्रबंधन, ऐसे कई विषय आज भी अनुकरणीय है। और ये बाबा साहब ही हैं जिन्हें आजाद भारत की नई पीढ़ी को शिवाजी महाराज के इस स्वरूप से रूबरू करवाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। उनके लेखों में और उनकी किताबों में शिवाजी महाराज के लिए उनकी अटूट श्रद्धा स्पष्ट झलकती है। शिवाजी महाराज से जुड़ी कथाओं को कहने की बाबा साहब पुरंदरे की शैली, उनके शब्द शिवाजी महाराज को हमारे मन मंदिर में साक्षात जीवंत कर देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, लगभग 4 दशक पहले अहमदाबाद में जब आपके कार्यक्रम आयोजित होते थे तो मैं नियमित रूप से उनमें उपस्थित रहता था। जानता राजा के प्रारंभिक काल में एक बार मैं उसको देखने के लिए विशेष रूप से पुणे गया था। बाबा साहब ने हमेशा ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि युवाओं तक इतिहास अपनी प्रेरणाओं के साथ पहुंचे, साथ ही अपने सच्चे स्वरूप में भी पहुंचे। इसी संतुलन की आज देश के इतिहास को बहुत आवश्यकता है। उनकी श्रद्धा और उनके भीतर के साहित्यकार ने कभी भी उनके इतिहास बोध को प्रभावित नहीं किया। मैं देश के युवा इतिहासकारों से भी कहूंगा कि आप जब आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आजादी का इतिहास लिखें तो प्रेरणा और प्रामाणिकता की यही कसौटी आपके लेखन में होनी चाहिए। साथियों, बाबा साहब पुरंदरे के प्रयास केवल इतिहास बोध करवाने तक ही सीमित नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में शिवाजी महाराज को जीने का प्रयास भी उतनी ही निष्ठा से किया है। उन्होंने इतिहास के साथ साथ वर्तमान की भी चिंता की है। गोवा मुक्ति संग्राम से लेकर
दादरा नगर हवेली के स्वाधीनता संग्राम तक उनकी जो भूमिका रही है वो हम सबके लिए एक आदर्श है। उनका परिवार भी सामाजिक कार्यों और संगीत कला के लिए लगातार समर्पित रहता है। आप आज भी शिव सृष्टि के निर्माण के अभूतपूर्व संकल्प पर काम कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के जिन आदर्शों को आपने देश के सामने रखने का आजीवन प्रयास किया है, वो आदर्श हमें सदियों सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं मां भवानी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।